नमस्कार दोस्तों, बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हो गए हैं। बिहार की सबसे ज्यादा आबादी वाली जाति यादव बन गई है। कुल 63% पिछड़े हैं, सामान्य करीब 15% हैं, मुसलमान करीब 17% हैं, SC ST करीब 21% निकल करके सामने आए। कुल 215 जातियां हैं बिहार में। 215 में से जिन जातियों की संख्या 1% से ज्यादा है उनमें यादव सबसे ऊपर हैं, यानी यादव 14.27% हैं, दुसार, धारी, धरही 5.31% हैं, मोची, चमार, रविदास 5.26% हैं, कुशवाहा, कोयरी 4.21% हैं, ब्राह्मण 3.66% हैं, मोमिन 3.55% हैं, राजपूत 3.45% हैं, शेख 3.82% हैं, मुसहर 3.09%, कुर्मी 2.88%, भूमिहार 2.87%, तेली 2.81%, मल्लह 2.61%, बनिया 2.32%, कानू 2.21%, धानुक 2.14%, नोनिया 1.91%, सुरजापुरी मुस्लिम 1.87%, पान सबासी पानर 1.70%, चंद्रवंशी 1.65%, नाई 1.59%, बड़ही 1.45%, धुनिया 1.43%, प्रजापति 1.40%, कुंजरा 1.40%। जातिगत जनगणना की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हो गए हैं, पूरे देश में मांग चलने लगी है। इस जातिगत जनगणना का असर चुनाव में क्या पड़ेगा, इसे समझने के लिए और इसके पूरे गणित को जानने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक जी हैं। नमस्कार दोस्तों, बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हो गए हैं। अब इन जातिगत जनगणना के आंकड़ों से किन दलों को नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, जातिगत जनगणना से आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें क्या प्रभाव पड़ेगा, देश की राजनीति में कितना बदलाव आ जाएगा, जातिगत जनगणना के सारे गणित को समझने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साथ ही साथ गांधीवादी कार्यकर्ता डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। स्वागत है आपका। राकेश पाठक जी, आप तो बड़े क्रांति किए हैं आपने। आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि देश की राजनीति में क्या कुछ बदल जाएगा अगर ये जातिगत जनगणना होती है, पूरे देश में होती है, तब क्या बदल जाएगा? देखिए प्रज्ञा जी, ये निश्चित तौर पर बहुत परिवर्तनकारी फैसला है, क्षण है भारत की राजनीति के लिए जी। हमारा समाज सदियों से, सहस्त्राब्दियों से जिस तरह से जातीय खांचों में बटा हुआ है और उन खांचों के बावजूद जो समाज के प्राकृतिक संसाधनों से लेकर जो भी सामाजिक उपलब्धियां हैं उन सब पर, उन सारे संसाधनों पर 15% लोगों का कब्जा है, जिनमें मिश्रा, पाठक, शर्मा, तोमर, भदौरिया, जैन, अग्रवाल गिने जा सकते, हम सब लोग भी उसी कटघरे में हैं। लेकिन वास्तविक आबादी जो है उसमें से 100 में से अगर 85% लोग सवर्णों से इतर हैं, जिनमें से ओबीसी की संख्या अब एक राज्य की सामने आई है 63% बताई गई है, और उसमें जो ओबीसी है फिर अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा भी है, इन दोनों को मिलाकर 63% का आंकड़ा अकेले बिहार राज्य में सामने आया है। तो क्या सरकारी नौकरियों से लेकर समाज के, देश के जो संसाधन है, सुख सुविधाएं हैं, उन सब में अकेले बिहार में 63% लोगों की भागीदारी है? और अगर नहीं है तो ये अन्यायपूर्ण बंटवारा है समाज में हर तरह के संसाधनों का, अवसरों का। आपको याद होगा अभी राहुल गांधी ने महिला आरक्षण के समय या अविश्वास प्रस्ताव के समय एक आंकड़ा पेश किया कि केंद्र सरकार में जो सचिव स्तर के अधिकारी है 90 में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी हैं जी। तो ये आंकड़ा बहुत दूरगामी प्रभाव डालने वाला होगा। आपका प्रश्न है कि इसका आगामी चुनाव में क्या असर होगा जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये उतनी ही परिवर्तनकारी घटना होगी जितनी मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करते समय हुई थी। हमारा समाज उस वक्त जिस बुरी तरीके से आलोचित हुआ था, उद्वेलित हुआ था,
धीरे धीरे समाज को यह स्वीकार तो करना पड़ेगा कि जिसकी जितनी आजादी जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जो नारा है ये अंत तक किसी ना किसी दिन तो जमीन को उतारना पड़ेगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये जो नारा है अब ये जातिगत जनगणना के बाद इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं और ये क्या प्रभाव डालने वाली है आने वाली राजनीति में आने वाले चुनावों में? देखिए अब समाज हमारा बदल चुका है, हम 1000 साल पहले के या 500 साल पहले के भारत और समाज नहीं है। शिक्षा में स्वास्थ्य में जागरूकता इतनी ला दी है कि अब वो तबका वो समाज हमारे समाज का वो हिस्सा जो सदियों से दमित रहा शोषित रहा पीड़ित रहा उसकी भी जो स्वाभाविक महत्वाकांक्षाएं हैं वो उभर कर सामने आ चुकी हैं और उसे उसका हिस्सा मिलना चाहिए। अगर हम उसको चुनावी तरीके से देखें चुनावी जमीन पर उसको गिनना चाहें उसका आकलन करना चाहें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति अब इन तबकों की बात करेगा व्यक्ति राजनीतिक दल कोई विचारधारा का परिवार उस सबके पीछे ये जो वर्ग हैं ये जो आबादियां हैं वो धीरे धीरे लामबंद होंगी। राहुल गांधी ने या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी पहल करके अगर हम ये कहें कि एक कदम आगे बढ़कर बल्ला अड़ा दिया है अब आप सामने से खेलने के लिए आ जाइए अब आप बताइए कौन सी बॉल डालेंगे। हमारे देश की राजनीति में पिछले 70 सालों में बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं के परिवर्तन का एपी सेंटर भूकंप का जो केंद्र होता है एक तरह से वो बिहार रहा है, चाहे नवनिर्माण आंदोलन हो जेपी का या उसके बाद लालू यादव का उदय हो, ये सब चीजें बिहार से शुरू हुई हैं और पूरे देश को इन्होंने प्रभावित किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को भी विवश होकर इस मुद्दे पर साथ आना पड़ेगा, उसको अपना कोई ना कोई स्टैंड और लेना पड़ेगा। बीजेपी ये नहीं कह सकती कि जातिगत जनगणना पूरे देश में नहीं होगी। कांग्रेस और राहुल गांधी तो जहां जा रहे हैं राकेश पाठक जी, राहुल गांधी तो हर बार ये कहते हैं जब हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं तो बीजेपी थर थर कांपने लगती है, तो इससे किन दलों को नुकसान होगा और कैसा नुकसान इससे? देखिए स्वाभाविक राजनीतिक दलों को पार्टियों को और नेता हो चाहे राहुल गांधी हो कांग्रेस हो बीजेपी हो जनता दल हो लालू की पार्टी हो समाजवादी पार्टी हो इनको अंतिम तौर पर इनका आराध्य कौन है? इनका ईश्वर है मतदाता वोट डालने वाला, तो इनकी असली चिंता तो वो होती है। कोई भी राजनीतिक दल जब किसी वर्ग विशेष के हकों की बात करता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं अवचेतन में वोट तो होते ही है, वोटों की गिनती भी होती है। अब प्रश्न ये है कि इसका नुकसान किसे होगा? राहुल गांधी कहते हैं कि जब भी मैं ओबीसी जनगणना की बात को जातिगत जनगणना की बात करता हूं तो बीजेपी थर थर कांपने लगती है। हम जानते हैं नरेंद्र मोदी युग से पहले भारतीय जनता पार्टी एक तरह से सवर्ण लोगों की पार्टी थी, बनिया ब्राह्मणों की पार्टी मानी जाती थी जो कहा जाता था। भोपाल में तो मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री ने बयान दे दिया था कि एक मेरी एक जेब में बनिया एक जेब में ब्राह्मण है, बहुत आलोचना हुई थी बड़ा विवाद हुआ था। लेकिन परंपरागत रूप से संघ और भाजपा समाज के उच्च वर्गों की उच्च मध्यम वर्ग के लोगों की विचारधारा परिवार का माना जाता है, विचारधारा का परिवार माना जाता है। बहुत दिनों बाद मोहन भागवत ने डॉक्टर मोहन भागवत सरसंघ चालक उन्होंने अभी 15 दिन पहले प्रज्ञा जी स्वीकार किया कि हमारे समाज में जो जातिगत भेदभाव था जो शोषण था वो 2000 साल से है। उन्होंने कहा महाभारत काल में भी था, एकलव्य का जिक्र किया उन्होंने, कर्ण का जिक्र किया, जबकि संघ परिवार पिछले 100 साल से यह कहता आया है कि हमारे यहां छुआछूत जातिगत भेदभाव अंग्रेजों के आने या उससे पहले मुगलों के आने के कारण था। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में संघ के सुप्रीमो को यह मानना पड़ रहा है कि हमारे समाज में उन्होंने कोई और भी एक शब्द बोला बड़ा कठोर कि हमने उन्हें क्या दबाकर रखा 2000 साल तक, ऐसा कोई शब्द बोला है उन्होंने और यह सच्चाई है। और जो पार्टी इसको स्वीकार करेगी और इनके पक्ष में खड़ी होगी जो 85% पीड़ित शोषित मानवता का हिस्सा है तो वोट भी उसको मिलेंगे। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बिहार से जो आंकड़े आए हैं राकेश पाठक जी, आपको क्या लग रहा है किसकी राजनीति में किस तरह का बदलाव आने वाला है? देखिए 5 राज्यों के चुनाव में मैं जहां बैठा हूं मध्यप्रदेश की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की अपने एक नेता उमा भारती ने
ओबीसी महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण की बात रख दी है। उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर मैं पास होने नहीं दूंगी, बीजेपी के सांसद नहीं वो भी कहीं रोक तो नहीं सकती हैं, लेकिन जब सत्ता में बैठी पार्टी की एक बड़ी नेता ओबीसी के हक में आवाज उठा रही है तो उसका संदेश तो पूरे प्रदेश में जा रहा होगा। और मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ राजस्थान, छत्तीसगढ़ तो सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाला प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 21 से 22% आदिवासी आबादी है एसटी ट्राइब में से, उन सबकी आकांक्षाओं को भी अब यह हवा लग गई होगी और लगना स्वाभाविक है, लगना भी चाहिए कि बात अब उनके हकों की हो रही हो। और जब ये ओबीसी आरक्षण पूरे ओबीसी जातिगत जनगणना पूरे देश में हो जाएगी तो फिर जो भी सत्ता में होगा उसे यह तय करना पड़ेगा कि संसाधनों और सुख सुविधाओं के हिस्से में से सबको वाजिब हक मिलना चाहिए, फिर नीतियां उसी तरह से बनेंगी, फिर उसी तरह से सरकारी नौकरियों में आरक्षण होगा, आपको सब कुछ उसी तरह से करना पड़ेगा। तो मैं प्रथम दृष्टया यह मानता हूं कि कांग्रेस ने बढ़त लेकर अपने फायदे के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। वोटों की जिक्र है उसको कांग्रेस को इससे फायदा होगा, मुझे लगता है कि फायदा हो सकता है। यद्यपि देखिए भारतीय जनता पार्टी उसके वोटों का प्रतिशत बढ़ सकता है, उसकी सीटें बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए बीजेपी के पास आप अंतिम उपाय क्या बचता है, मोदी शाह एसोसिएट नाम की जो कंपनी है वो राजनीतिक दल उसको मैं मानता भी नहीं, वो तो दो लोगों की एक कंपनी है, उनके पास आखिरी औजार क्या है, हिंदू मुसलमान। लेकिन जब आप हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, आज उन्होंने राजस्थान में बोल दिया है, वो कन्हैया लाल की हत्या का जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने, जबकि उसके कन्हैया लाल जी की हत्या रहे तो भारतीय जनता पार्टी से संबंध मिले थे, उनकी तस्वीरें भी आई थी, लेकिन अब वे आखिरी उपाय के रूप में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप हिंदू समाज की बात करेंगे तो इस वृहद हिंदू परिवार में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, क्या वे सचमुच आपके इस नारे में अपने आप को शामिल मानेंगे? क्या वे सिर्फ अपने आप को हिंदू मानकर मुसलमानों से लड़ने को तैयार हो जाएंगे? जब वे ऐसा नहीं मानेंगे तब उन्हें ध्यान आएगा कि भारतीय जनता पार्टी या संघ के तथाकथित हिंदुत्व में उनकी स्थिति तो दो दर्जे के नागरिक की है। तो जो व्यक्ति जो पार्टी उनके हकों की बात करेगी, उनके पक्ष में खड़ी दिखाई देगी, हो सकता है उसके पक्ष में वोट बढ़ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी ने एससी एसटी ओबीसी को 84% बताया है, और आपके सवाल से आपकी बात से एक सवाल मैंने निकाला है कि 84% राहुल गांधी ने ओबीसी एससी एसटी को बताया, लेकिन बीजेपी इसी 84% को हिंदू वाले चश्मे से देखती है, आप कैसे देखते हैं इसे? मैं उसी भेद को तो मैं रेखांकित करना चाहता हूं जी। राहुल गांधी ने गलत नहीं कहा है, हम सब जानते हैं कि सवर्ण जो तबका है, जो भी हम लोग भी है, हम तो जन्मना उसमें हमारे कोई अपराध तो है नहीं, यद्यपि मैं तो किसी भी तरह के धर्म जाति के किसी भी बंधन को नहीं मानता हूं, मैंने निजी जीवन से लेकर सब सार्वजनिक जीवन तक सारी बेड़ियां तोड़ दी हैं जाति और धर्म। आप तो क्रांतिकारी हैं सर। नहीं, क्रांतिकारी नहीं है, लेकिन एक साधारण मनुष्य के रूप में मुझे लगता है मानवता में विश्वास करना चाहिए। क्या धर्म जाति, हमें ईश्वर ने मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, जातियां तो हमारे समाज का बनाया हुआ वो है और सदियों से चली आ रही है। तो मैं आपके सवाल पर आता हूं कि सच्चाई यह है कि 85% या 84% जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो हम सब भी जानते हैं जी, सच्चाई यह है कि वो तबका अब पूरा का पूरा उस कथित हिंदुत्व में शामिल होने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल प्रज्ञा जी, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में चले जाइए आप जी, आप अपने हिंदुत्व में जिन्हें शामिल मानते हैं उन्हें शादी के लिए घोड़ी पर बैठकर निकलने नहीं देते। अभी 1 जुलाई की घटना है छतरपुर जिले की, राजनगर थाना क्षेत्र की, एक दलित अपनी पत्नी के साथ 1 साल की बच्ची को गोद में लेकर वो लोग मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, एक दबंग व्यक्ति, सवर्ण दबंग व्यक्ति के घर के सामने से निकले, उसने उनको रोक कर पिटाई लगाई और उसका तर्क यह था कि तुम मेरी हवेली के सामने मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल रहे, उसमें भी जूते पहने हो पैरों में, उस 1 साल की बच्ची को गोद में से फेंक दिया गया सड़क पर। मध्य प्रदेश में अभी एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करने की घटना हुई, प्रज्ञा जी आपने सब ने देखा, पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखा, क्या आपने कभी उनके हृदय को टटोलने की कोशिश की? क्या वे आपके इस हिंदुत्व को मानने को तैयार है जिसमें आप उन्हें मनुष्य नहीं मानते, आप उनको मनुष्य से एक दर्जा कमतर मानते हैं? तो मुझे नहीं लगता जिस दिन वो जाग गया, जिस दिन वो चेत गया तबका, वो 85% पूरा तबका, अभी तो सिर्फ ओबीसी की गणना हुई है, इसमें दलितों को और जोड़
भी है, और ये और सारे सारी जब जातिगत पूरी जातियों की जब जनगणना हो जाएगी तब पता चलेगा कि 100 हिंदुओं में से 85 तो बाकी लोग हैं, फिर 15 ही कहां सवर्ण है जिसमें क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण ये सब आएंगे। तो आप 15 होकर 85 पर राज करेंगे, सारे संसाधनों सारी नौकरियों सारे अवसरों पर आप कुंडली मारकर बैठे रहेंगे सहस्त्राब्दियों से शताब्दियों से। दलित अगर ऋग्वेद की रचाएं उसके कान में चली जाए तो मनुस्मृति कहेगी कि उसके कान में पिघला हुआ शीशा उड़ेल देना चाहिए क्योंकि उसके कान में ऋग्वेद की रचा चली गई। आप नगर में प्रवेश करते समय ये मानता हूं कि अब नहीं हो रहा ये सब, लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा तो अभी भी हमारे समाज में बाकी है। गुजरात जैसे राज्य में ऊना की घटनाएं आप भूल गए क्या? दलितों को किस तरह चमड़ी उधेड़ उधेड़ कर उनको पीटा गया, पीट पीट कर उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई। तो क्या हिंदू नहीं है? ये जातिगत जनगणना का ये जो मसला उछल कर सामने आया है बिहार के आंकड़ों के बाद भी लग रहा है अब ये रफ्तार पकड़ता जाएगा, बाउंस होता जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स में क्या कुछ चेंजेस देखने वाले हैं? देखिए बीजेपी को कुछ ना कुछ तो अंदर से सोचना पड़ेगा, उसे ये बात सही है कि मतलब मुसलमान वाला कार्ड तो काम नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता। देखिए अगर काम आ रहा होता तो कर्नाटक में कौन सी कसर बाकी रखी थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने? बजरंग बली की तुलना बजरंग दल जैसे उदंड संगठन से कर दी थी। हिंदू मुसलमान का कोई अवसर वे नहीं छोड़ते और आज फिर प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में बता दिया। लेकिन वे ये नहीं समझ रहे हैं कि अब इस देश के अंदर से भीतर से एक आवाज आ रही है कि अब हमको हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, अस्पताल चाहिए। इसलिए बीजेपी को भी इस ओबीसी के मुद्दे पर पुनर्विचार करना पड़ेगा अपने अंदर। कोई ना कोई तो यह सवाल पूछेगा कि संघ में आज तक कोई ओबीसी दलित सरसंघ चालक क्यों नहीं बना? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आज तक कोई महिला सरसंघ चालक क्यों नहीं बनी? कांग्रेस तो बना सकती है, उसके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है महिला है, एनी साई सरोजनी नायडू से लेकर इंदिरा गांधी तक। कांग्रेस बना सकती है, पहली राष्ट्रपति महिला उसने बनाई, पहली लोकसभा अध्यक्ष उसने बनाई, आपने भी बनाई ऐसी महिला राष्ट्रपति, बहुत अच्छी बात है। इन सबको बराबर से आपको अवसर देना पड़ेगा और ओबीसी के मुद्दे पर बीजेपी को पुनर्विचार करना पड़ेगा, यद्यपि उनके शिखर पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी स्वयं भी ओबीसी से ही आते, लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा ही था और इसका उस वक्त बीजेपी को फायदा मिला। संसद में अमित शाह और नड्डा ने भी तो कहा था कि इस पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बीजेपी ने ही दिया है, बिल्कुल कहा था, बहुत स्वागत है। मैं तो कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी ओबीसी है, मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ, उनको इस लोकतंत्र ने इस समाज ने यह अवसर दिया कि वो प्रधानमंत्री बने, पहला ओबीसी प्रधानमंत्री। देवेगौड़ा को भूल गए, हाँ देवेगौड़ा को भूल गए, दलित ओबीसी से आते थे। खैर वो याददाश्त तो बीजेपी वालों की बहुत कमजोर है, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, खुद मोदी जी को याद नहीं रहता। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत बड़ी टाइट दिखाई दे रही है, हालांकि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन पॉलिटिक्स से जुड़े हुए सवाल तो चलते रहते हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। राकेश पाठक जी, अभी एक शिक्षक का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है मध्य प्रदेश में, जिस वो कह रहा है कि मध्य प्रदेश में कुत्ते बिल्लों को वोट कर देना लेकिन मध्य प्रदेश में मामा को वोट मत करना। देखिए मैं उस शिक्षक की बात नहीं करूंगा, लेकिन ओवरऑल जो परिदृश्य है मध्य प्रदेश का वो सत्ता विरोधी है। खासतौर से शिवराज सिंह चौहान के लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहने से एक चौहे को देख देख कर लोग, अगर मैं अपनी आंचलिक बोली में भंडर की भाषा में कहूं तो लोग अफर गए हैं। आप जानते हैं खाना खा के अफर जाते हैं, मन भर जाता है, तो लोग उनका चेहरा देखकर थक गए हैं। अब लेकिन बीजेपी ने उसकी काट के लिए 5 मुख्यमंत्री पद के लायक प्रत्याशी उतार दिए, 7 सांसद जिनमें से 3 केंद्रीय मंत्री, इतने मंत्री। आप कल्पना कीजिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री है वो क्या मध्य प्रदेश में किसी और के मातहत मंत्री बनना स्वीकार करेगा? इन 5-6 लोगों में मुख्यमंत्री बनेगा अगर ये लोग जीत गए और बहुमत आ गया तो। इन चीजों से ऐसा लगता है कि बीजेपी अंदर से घबराई हुई है, उसको जनता के भाव की भावनाओं की जानकारी है। और मैं नहीं कह रहा, जितने ओपिनियन पोल अब तक आए हैं, जो प्री पोल सर्वे समय रहे हैं, वे सब भी ये बता रहे हैं कि बीजेपी लगातार पिछड़ रही है। एक और महत्वपूर्ण कारण है प्रज्ञा जी, यद्यपि 2018 में भी बीजेपी आ रही थी जी, तब बीजेपी एकजुट थी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मध्य प्रदेश की भाजपा में जितना अंतर विरोध है इतना कभी नहीं रहा। ये
इतनी बगावत बीजेपी में इससे पहले कभी नहीं हुई। संघ से जुड़े हुए लोग, जनसंघ के समय से जुड़े हुए लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद, जिला अध्यक्ष पार्टी के पदाधिकारी, अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग बीजेपी छोड़ रहे हैं तो इसका आशय यह है कि मध्य प्रदेश में जनमानस सत्ता परिवर्तन का मन बना चुका है। यहां का मतदाता सत्ता बदलना चाहता है। बदलेगा कि नहीं ये उसका अधिकार है, वो जाने, हम और आप उसका फैसला करने वाले कोई नहीं होते। हम सिर्फ समाज की नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश करते हैं। वो जो धड़कन सुनाई दे रही है उसको स्वर दिया उस शिक्षक ने जिसका आपने जिक्र किया। जी राकेश पाठक जी, जिस तरह से महिला आरक्षण बिल पर तमाम विपक्ष पक्ष सब एक साथ खड़े हुए दिखाई दिए, आप क्या लगता है जातिगत जनगणना का मसला जब उफान लेता जाएगा तब बीजेपी भी साथ खड़ी दिखाई देगी विपक्ष के साथ, इंडिया अलायंस के साथ? अंततः बीजेपी को उनको अंततः आना ही पड़ेगा। अब उनके पास कोई तर्क नहीं होगा इसको टालने का, क्योंकि जितना इसे वे टालेंगे या इसके विरोध में खड़े दिखाई देंगे उतना ही उनका वोट बैंक खिसकता जाएगा। आप सिर्फ आज की खबर के बाद देख लीजिए, ट्विटर पर ओबीसी बिहार ओबीसी को लेकर नंबर वन ट्रेड कर रहा है, गांधी जी भी नंबर दो पर आ गए। जो लोक समाज का बहुत बड़ा तबका है, ये अकेले बिहार में अगर 63% है, जब पूरे देश का ये जातिगत आंकड़ा आएगा सामने, तो इतने बड़े तबके की आकांक्षाओं को उसके खिलाफ खड़े रहने की ताकत बीजेपी में नहीं है। वो जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है कि इतना बड़ा वोट बैंक वो गवा दे। भले ही उनके प्रधानमंत्री उनके नेता ओबीसी हैं, तो क्या वो आगे चलकर अगली बार चुनाव नहीं जीतना चाहते क्या? अगले जितने चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या वे ओबीसी के वोटों के बिना जाने की हिम्मत कर सकते हैं? निश्चित तौर पर नहीं। तो मेरा मानना है एंड ऑफ द डे उनको भी किंतु परंतु अगर मगर इत्यादि यद्यपि के साथ इस मुद्दे पर खड़े होना ही पड़ेगा, जैसे महिला आरक्षण के मुद्दे पर वे साथ खड़े हुए हैं। लेकिन उसी तरह देरी हो गई है जैसे महिला आरक्षण को सोनिया गांधी ने संसद में घुसते कह दिया ये तो अपना बिल है। तो बीजेपी जब भी साथ आएगी तब कांग्रेस बार बार ये कहेगी कि ये तो हमारा मुद्दा था, हमने ओबीसी के हकों की बात की थी, अब बीजेपी हमारे साथ आई। तो वो एक आसान पीछे। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश पाठक जी। दर्शकों के लिए जो भी सवाल दर्शकों के मन में थे जातिगत जनगणना को लेकर के, वो सारे सवालों के जवाब ए टू जेड पूरी गणित को मैंने समझने की कोशिश की है राकेश पाठक जी से। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा और आपके मन में जो भी सवाल थे एबीसीडी सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश पाठक जी, धन्यवाद।